गरीब कचरे वाली बेटी की सफलता। अरे थी 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 थी, अरे ये औरत आखिर यहाँ क्या कर रही है? अब क्या हमारे बच्चे इस कचरे वाली के बच्चे के साथ स्कूल में पढ़ाई करेंगे? अगर इस स्कूल के अंदर इस कचरे वाली की बेटी पढ़ाई करेगी तो मैं अपनी बेटी को इस स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी। ये आखिर यहाँ आई ही क्यों है? इसे इस स्कूल से बाहर निकालो। आखिर आप सभी को हम लोगों से परेशानी क्या है? हम भी तो तुम्हारी ही तरह इंसान हैं। अरे तुम एक घटिया औरत हो, वो भी कूड़ा कचरा बीनती हो। उमा को लोगों की बातें बहुत बुरी लगती है और वो अपनी बेटी कविता को अपने साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है। माँ, आखिर लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या हम बुरे लोग हैं? नहीं नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल तुम्हारी माँ कूड़ा कचरा बीनती है, इसलिए सभी लोग हमें नापसंद करते हैं। माँ, आप कूड़ा बीना छोड़ दीजिए। नहीं बेटी, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, और तुम अपनी माँ से वादा करो कि तुम अपनी माँ की मेहनत को बेकार नहीं जाने दोगी। माँ, मैं पढ़ लिख कर आपके सभी सपनों को जरूर पूरा करूंगी। उमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को खाना खिलाती है और कूड़ा कचरा बीनने के लिए सड़क पर पहुंच जाती है। आज अगर थोड़ा ज्यादा कूड़ा बीनूंगी तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ किताब और कॉपी ले आऊंगी। जब वह स्कूल जाएगी तो इन्हें ले जाएगी। ऐसा सोचकर वो कूड़ा बीनती रहती है, जिसके बाद उसे एक औरत दिखाई देती है जो सड़क के बीचों बीच चल रही होती है। हे भगवान, ये औरत कौन है जो सड़क के पास चल रही है? तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आता है, जिस पर उस औरत का ध्यान ही नहीं होता। उमा अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस औरत की जान बचा लेती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होती है। ओहो, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरी जान बचाई। आज अगर तुम मेरी जान नहीं बचाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। रोमा जैसे ही उमा को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अरे मेम साहब, आप ठीक तो हो ना? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? अरे तुम तो वही कूड़ा बीनने वाली हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और तुम्हारी बेटी को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। रोमा अगले ही दिन उमा की बेटी को अपने स्कूल में एडमिशन दे देती है, जिसके बाद उमा बहुत खुश होती है और वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। एक दिन रात के समय कविता नींद से उठ जाती है। अरे माँ तो सो रही है, क्यों ना आज मैं माँ की मदद करने के लिए उनके कूड़े कचरे को छाट कर रख देती हूँ। जब माँ सुबह उठेंगी तो उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये सोचने के बाद वो अपनी माँ की मदद करने के लिए सारा कूड़ा रात को ही छाटने लगती है। वो उस कूड़े कचरे के अंदर से प्लास्टिक और गत्ता अलग कर देती है। देखते ही देखते वो सारा कूड़ा कचरा अलग कर देती है और बचे हुए टाइम में वो अपनी पढ़ाई को करने लगती है। अगले दिन, अरे बेटी उठ जाओ, आज तुम्हें स्कूल जाना है ना? उमा अपनी बेटी को उठाती है, जिसके बाद वो उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। वो जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसकी फटीचरों वाली हालत देख कर कुछ बच्चों के माँ बाप उसे बुरा भला कहते हैं। अरे देखो जरा इस बेशरम को, इसे हमारी बात समझ ही नहीं आती। ये तो यहाँ मुंह उठाए चली आ रही है, इसको यहाँ से भगाओ। मेरी बेटी का इस स्कूल में एडमिशन हुआ है और वो अब यहीं पढ़ाई करेगी। उमा सभी का सामना करती है और अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ आती है, और फिर वो अपना बोरा उठाती है, जिसके बाद वो सड़कों पर कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। शाम होते होते वो सारा का सारा कूड़ा कचरा एक कबाड़ी की दुकान में ले जाकर बेच देती है, जिसके चलते उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो जब रात को अपने कूड़े कचरे के बोरों को अपनी झोपड़ी के बाहर लाकर रखती है तो उसकी बेटी उसके पास आकर उससे कहती है, माँ माँ आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, कल मेरे स्कूल की फीस जानी है माँ। अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गई थी बेटी, कल तो तुम्हारी फीस नहीं भर पाऊंगी, लेकिन एक या दो दिनों में मैं तुम्हारी फीस भर दूंगी। चलो अब मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। उमा ऐसा कहने के बाद अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। दोनों माँ बेटी खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं, लेकिन आधी रात के समय कविता नींद से जागती है और अपनी माँ का बीना हुआ कचरा अलग अलग करने लगती है। अगले दिन जैसे ही उमा अपना सारा कचरा अलग हुआ देखती है, उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी उसकी मदद करने के लिए रात भर कूड़ा कचरा अलग करती है। कितनी अच्छी बेटी है मेरी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कितनी समझदार है मेरी बेटी। उमा वो सारा कचरा बेच देती है और फिर से सड़कों पर कचरा बीनने लगती है। ऐसे ही दोनों गरीब माँ बेटी को एक दूसरे के प्रति काम करते करते कुछ समय बीत जाता है।
अब उमा की बेटी कविता बड़ी हो जाती है और अपने आगे की पढ़ाई को करने के लिए शहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी को एक अच्छा और काबिल इंसान बनाने के लिए वो उसकी गरीब माँ सड़कों से कूड़ा कचरा बीनती रहती है। अरे देखो तो सही, ये कूड़ा बीनने वाली आज भी इतने सालों बाद कूड़ा ही बीन रही है अपनी बेटी के लिए। अरे मुझे तो पता है इसकी बेटी कोई अफसर नहीं बनेगी, बल्कि वो भी कूड़ा बीनने वाली ही बनेगी। तुम जैसे अमीर लोग बस गरीबों का मजाक ही उड़ाते रहते हो। देखना मेरी बेटी एक दिन एक बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर बनेगी। अरे देखो तो इस कचरे वाली को, बेकार की बातें करती है, इसका और कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ इसे पत्थर मारकर यहाँ से भगा दो। दुर्योधन ऐसा कहने के बाद उमा को पत्थर मारने लगता है। उसे देख कुछ और भी लोग उमा को पत्थर मारने लगते हैं, जिसके चलते एक पत्थर उमा के सिर पर लग जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ी सी कार आती है, जिसके अंदर से कविता पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहने निकलकर बाहर आती है। उसके साथ दो अफसर भी होते हैं। माँ देखो, आपकी बेटी ने आपका सपना आज पूरा कर दिया। मैं अब एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अपनी बेटी को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में देखते ही उमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उसके हाथों से कूड़े कचरे का बोरा नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपनी बेटी के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार मेरी बेटी पुलिस ऑफिसर बन ही गई। देखो मैं तुम लोगों को कहती थी ना कि मेरी बेटी एक दिन मेरा सपना पूरा करके दिखाएगी। माँ बस बहुत हुआ, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है मुझे बड़ा बनाने के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपकी ही बदौलत हूँ। कविता और उमा को देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कविता अपनी माँ से कहती है, माँ पुलिस बनने के बाद मुझे गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा फ्लैट मिला है और मैं उसमें आपके साथ जाना चाहती हूँ। चलिए माँ कार में बैठ जाइए। रुको बेटी, मैं पहले इन अमीर और घमंडी लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा कहने के बाद उमा की आंखों में आंसू होते हैं। देखा तुम सभी लोगों ने, ये मेरी बेटी है जो एक पुलिस वाली है, एक कचरे बीनने वाली औरत की बेटी पुलिस वाली है। इसलिए कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती ही है। उमा अपनी पुलिस बेटी के साथ चली जाती है। कविता उसे अपने फ्लैट पर ले जाती है, जिसके बाद उमा की आगे की जिंदगी बहुत खुशियों के साथ बीतने लगती है और अब उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। ये कहानी है धर्मा के घर की, जिसमें कुल चार जन रहते थे, पत्नी सीता, बेटा राजू और जवान बेटी गौरी। अब जहाँ गरीब के लिए आमदनी ही अठन्नी हो, तो एक गरीब कैसे अपनी बेटी की बारात का समर्थ बटोर पाएगा। रोज की तरह धर्मा जब घर लौट कर आता है, उसके हाथ पांव खेत की कीचड़ मिट्टी में सने होते हैं। वह आंगन में गड़े हैंड पंप से हाथ पांव धोने लगता है। गौरी बेटी, जल्दी से बाबूजी के लिए खाने की थाली लगा दे। बस लाई माँ, ऐसा कहते हुए गौरी खाने की थाली लेकर रसोई से बाहर आकर अपने पिता को खाना परोसती है। ये लीजिए बाबूजी, खाना खाइए। अरे नहीं बिटिया, आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर धर्मा मैली चादर ओढ़कर सोने का ढोंग करता है, जिसके पीछे बेटी की शादी की बड़ी विडंबना छुपी थी। उस रात सभी को नींद में ऊंघता देख कर धर्मा चौखट पर बैठ कर आंसू बहा रहा होता है। तभी सीता जाग कर उसके पास आती है। अरे गौरी के बापू, तुम इतनी देर रात चौखट पर क्यों बैठे हो, नींद नहीं आ रही क्या? अरे गौरी की अम्मा, जिस गरीब बाप के सीने पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो, उसे कहाँ नींद आती है। तब कि उसकी डोली न उठ जाए, जुग जमाना जिस तेजी से बदलाव की डगर पर बैठा है, उसमें अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब पहले से भी ज्यादा गरीबी के गहरे दलदल में धंसते जा रहे हैं। ऐसे में एक गरीब के घर से आई बारात भी लौट जाती है। कभी कभी तो सोचकर ही मेरे कलेजे में फांस चुभ जाती है कि कहीं हमारी गौरी को इस बुरे वक्त का सामना न करना पड़ जाए। सारी गलती मेरी है। अजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, भगवान ने ही हमारे गरीब परिवार की किस्मत कुश की कलम से लिखी है, इसलिए तो हमें गरीब बनाया। ऊपर से एक औलाद भी दिया है, वो भी विकलांग, हम उस पर भी आस नहीं लगा सकते। दोनों दंपत्ति देर रात अपनी गरीबी पर बात कर रहे होते हैं, मगर उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी सारी बातें गौरी सुन चुकी है। अगली सुबह, अरे गौरी बिटिया, तू कहीं जा रही है क्या, इतने भोर सवेर तैयार हो गई? हाँ माँ, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ,
कल रात मैंने आपकी और पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। माँ, हम गरीबों को अपनी सोच को उभारना होगा। पिताजी एक अरसे से अपनी हड्डियां गलाकर हमारा पेट भर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को 12वीं तक पढ़ाया। आज उस पढ़ाई का सही इस्तेमाल करने का समय हो चला है। मैं चलती हूँ माँ, शाम तक लौटूंगी। ये कहकर गौरी अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसके कदम एक मंदिर के आगे रुक जाते हैं, जहाँ एक औरत को बड़ी भीड़ घेरे खड़ी थी। गौरी भीड़ को चीरती हुई भीतर घुस गई। उसने फौरन अपने कंधे पर टंगे झोले से पानी की बोतल बाहर निकाल कर उसे छींटे देते हुए वो जगाती है। आंटी जी, आप ठीक तो हो? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को। आपके अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? यहाँ एक औरत बेहोश पड़ी थी और आप लोग अतरंगी हरकत कर रहे, कोई वीडियो बना रहा है और कोई फुसफुसा रहा है, मगर किसी ने इन्हें उठाया नहीं। आप लोगों का जमीर आपको कोसता नहीं है क्या? गौरी की फटकार सुनकर भीड़ अपने अपने रास्ते पर चल पड़ती है। तभी एक लंबी चौड़ी चमचमाती कार मंदिर की सीढ़ी के पास आ रुकती है, जिसके भीतर से अथर्व नाम का एक सूट बूट में शख्स बाहर आता है। उसके चेहरे पर लगा चश्मा चीख चीख कर उसकी अमीर होने की बात बयान कर रहा था। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे घर में एक दर्जन नौकर की फौज देखने के लिए है क्या, जो आप नंगे पांव के लिए मंदिर चली जाती हैं? माफ कीजिएगा, मगर जो भगवान पर आस रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। आपकी तारीफ? बेटा, ये गौरी है, इसी ने मेरी जान बचाई है। गौरी की सादगी और उसके शब्दों की सुंदरता अथर्व के मन में घर कर जाती है। वह बस किसी भी तरह से गौरी को वहां से जाने से रोकना चाहता था। जरा ठहरिए, मेरी माँ की जान बचाकर आपने मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? गौरी अपने घर की गरीबी से लेकर नौकरी की बात बताती है, जिसके बाद अथर्व कहता है, समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की। मुझे अपनी माँ के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है। देखिए ना, कुछ ही पलों में माँ आपके साथ कितना घुल मिल गई है। आपको इस काम में कोई आपत्ति तो नहीं? गौरी के दिलो दिमाग में बस अपने घर की गरीबी को मिटाने का ख्याल दौड़ रहा था। उसने फौरन काम के लिए हामी भर दी और कार में बैठकर चल पड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर रुकी, जिसके बोर्ड पर बड़े अक्षरों में ओबरॉय मेंशन लिखा था। तभी भावना की भाभी बोल पड़ी, अरे देवर जी, ये मेरी देवरानी है क्या? ओहो भाभी, आप भी ना। गौरी, ये मेरी भाभी है। ये मेरे पिता पारितोष ओबेरॉय और भाई ऑफिस में है। जी नमस्ते। जीती रहो बेटी। और ये माँ की केयर टेकर है। काम के पहले दिन अथर्व उसे महीने भर की पगार दे देता है, जिसे गौरी के घर की बहुत सी जरूरत सध जाती है। इधर अथर्व का पूरा परिवार गौरी से घुल मिल जाता है। सभी अपनी आंखों में गौरी को बहू बनाने का ख्वाब संजो बैठते हैं। और फिर एक सुबह वह सह परिवार शगुन के साथ उसके घर आते हैं। जी नमस्ते, किससे मिलना है? जी क्या हुआ साहब, मेरी बिटिया ने कुछ किया है क्या? हाँ अंकल जी, आपकी बेटी ने मेरे देवर जी का दिल चुरा लिया है। भाई साहब, बहन जी, ईश्वर की दया से हमारे पास दौलत शोहरत की कोई घटी नहीं। बस हमारी झोली में अपनी गौरी डाल दीजिए। रसोई से सटकर खड़ी गौरी ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अरे भाई साहब, अब जो कि हम रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, इसलिए अब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये पैसे स्वीकार कीजिए। हम चाहते हैं कि एक गरीब के घर भी गाजे बाजे से बारात आए। अच्छा, इजाजत दीजिए। अगले ही दिन से गौरी की शादी की बधाइयां बजने लगती हैं। पूरा घर फूलों और लड़ियों से रोशन हो उठा था। सभी औरतें बारी बारी से गौरी को हल्दी लगा रही थी। भगवान तेरे चेहरे की रंगत इस शगुन की हल्दी से बढ़कर बनाए रखे मेरी बच्ची। इस तरह हल्दी की रस्म बीतने के अगले दिन मेहंदी की रस्म का आयोजन होता है और दूल्हे की भाभी मेहंदी लेकर गौरी के घर आती है। अरे भावना जी, आइए मेरे गरीब खाने में, आपका स्वागत है। आंटी जी, दुल्हन की मेहंदी और शादी का जोड़ा लाई हूँ, कल शाम को मेकअप वाली भी आ जाएगी। बड़ी भाग्यवान है जी हमारी गौरी, जो उसे इतना मान दान देने वाला ससुराल मिल रहा है, वरना हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी की डोली उठेगी। देखते ही देखते रात ढल जाती है और शादी का दिन दस्तक देता है। लड़के वालों की ओर से भेजी गाड़ी उनके गरीब घर के आगे रुक जाती है। धर्मा अपने परिवार के साथ बैंक्वेट हॉल पहुंचता है, जहां कई सारी मेकअप आर्टिस्ट मिलकर गौरी का दुल्हन का मेकअप करती हैं। कहीं हलवाइयों के कढ़ाई से उठ रही मिठाई की महक माहौल में घुल रही थी, तो कहीं बैंक्वेट की सजावट हो रही थी और शाम ढलने के साथ आतिशबाजियों से पूरा आसमान गूंज उठा, जिसके साथ बड़े गाजे बाजे के साथ बारात बैंक्वेट में आती है।
जहाँ गौरी की सास और भाभी ने सोने के भारी गहनों से वो लदी हुई थी, वहीं ससुर जेठ महंगी शेरवानी में जच रहे थे। वहीं धर्मा और सीता हाथ जोड़कर बारात की खातिर भाव करते हैं। आइए आइए पधारिए साहब। ये क्या समधी जी, आप हमारे सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के ससुराल वालों को शर्मिंदा कर रहे हैं। मगर समधी जी, यही तो जात बिरादरी और जग की रीति है, बेटी के बाप को हर सूरत में झुकना ही पड़ता है। अरे समधी जी, ये दुनिया ऐसी कई अजीबो गरीब रीति रिवायत से भरी है जिसमें अमीर गरीब का फर्क फासला है, मगर आज दुनिया भी देखेगी एक विवाह ऐसा भी जिसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं बल्कि हम ही बाराती और हम ही परिवार हैं। काश काश समधी जी, हर जन की सोच आप जैसी होती तो दान दहेज के अभाव से किसी गरीब की बेटी की बारात न लौटती। अगले ही पल वरमाला की रस्म शुरू होती है, जिसके बाद गौरी और अथर्व सात फेरों के बंधन में बंध जाते हैं और बैसाखी पर खड़ा भाई अपनी बहन को विदाई देता है। जीजा जी, मेरी दीदी को खुश रखना। माँ बाबूजी, अपना ख्याल रखना। जा बेटी, भगवान तुझे हर खुशी दे, तेरे ससुराल में कभी कोई घटी ना होने पाए। और आखिर में एक गरीब की बेटी की बारात शहनाई की गूंज के साथ ससुराल के लिए रवाना होती है।